हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सेहत पसंद रेसिपीज में। आज मैं लिख रही मिनी ड्राई कचौरी और इसका टेस्ट वाकई बहुत अच्छा होता है। आप इसे एक बार बना लेंगे तो एक महीने तक आप इसे यूज कर सकते हैं। और इसे मैं दो तरीके से बता रही हूँ, एक नॉर्मल जो कचौरी का शेप होता है वैसे, और एक बनाऊंगी मैं डिजिटल कचौरी, लैड कचौरी जिसे कहते हैं। तो करते हैं शुरू। इसके लिए सबसे पहले हम ले लेंगे 1.5 कप मैदा, आधा छोटा चम्मच नमक और थोड़ी सी हम हल्दी डाल देंगे। मिला लेते हैं और इसमें हम डालेंगे 1.5 बड़े चम्मच तेल। और तेल अच्छा गरम करके लिया है जिससे जो कचौरी बनेगी वो अच्छी बढ़िया क्रिस्पी और सॉफ्ट भी रहेगी। मिला लेते हैं, अभी तेल गरम है इसलिए पहले चम्मच से मिला लेते हैं। अब अच्छे से तेल को मैदे में लगा देते हैं और ये देखिए तेल बिल्कुल बराबर है क्योंकि मुट्ठी बन रही है। अगर मुट्ठी नहीं बने मतलब कि तेल कम है तो फिर आप थोड़ा सा और डाल लें। और इसमें आप थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम इसका आटा गूंथ लेंगे। और इसका पूरी जैसा सख्त आटा मसलना है और इसे ढक के रख देते हैं करीबन 15 से 20 मिनट के लिए जिससे ये अच्छे से सेट हो जाए। और कचौरी के लिए स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे ले लिया है 3/4 कप आलू भुजिया, ये 50 ग्राम आलू भुजिया है। अगर आपके पास आलू भुजिया नहीं है तो आप फिर इसकी जगह सेव यूज कर सकते हैं या फिर गाठिया या फिर जो भी मिक्स नमकीन आपके घर पे रखा हो तो वो आप इसके लिए यूज कर सकते हैं। पर अगर आपके पास आलू भुजिया है तो आप वो यूज करें क्योंकि इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। अब डाल देंगे 1 छोटी चम्मच सौंफ, 2 छोटी चम्मच तिल, 3/4 छोटी चम्मच आमचूर पाउडर। अगर आपके पास आमचूर पाउडर नहीं हो तो फिर आप नींबू का यूज कर सकते हैं, नींबू साथ यूज कर सकते हैं या फिर इमली का पल्प यूज कर सकते हैं। हमें बेसिकली इसे खटाई के लिए यूज करना है। 1/4 छोटी चम्मच चाट मसाला, 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच जीरा, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच नमक, नमक कम ही डालेंगे क्योंकि ऑलरेडी आलू भुजिया में नमक है, 2 छोटी चम्मच शक्कर, 1 बड़ा चम्मच टमाटर केचप। और इसे आप पीस लेते हैं। स्टफिंग तैयार हो गई है, आटा भी सेट हो चुका है। इसे एक बार और एक जैसा कर लें और इसे बराबर बराबर भागों में बांट देते हैं। तो छोटी नींबू के आकार के हमें लोई बनानी है। इस तरीके से सभी लोई बना लेते हैं और एक लोई ले लेते हैं और इसे बेल लेते हैं। छोटी सी रोटी बेलना है हमें पूड़ी के आकार की। और इसी तरीके से दूसरी रोटी भी बेल लेंगे। एक रोटी को चाकू से इस तरीके से आपको लंबे इसमें कट्स लगा लेना है। ये हम लैड कचौरी बना रहे हैं, इसके किनारों पर पानी लगा लेंगे और इस लैड रोटी के ऊपर दूसरी सिंपल वाली रोटी रखनी है। दबा लेते हैं इसे किनारों को जिससे ये चिपक जाए। और इसमें आप मसाला डाल लेते हैं, 1 से 1.5 चम्मच मसाला इसमें डाल लें। अब किनारों को इस तरीके से दबाते हुए इसे इकट्ठा कर लेते हैं और इस तरीके से इसे चिपका लेते हैं और जो एक्स्ट्रा आटा है इसे निकाल लेते हैं, इसे सही कर लेते हैं और इस तरीके से हथेली के बीच में रख के थोड़ा सा इसे गोल करके दबा दें। ये तैयार हो गई है हमारी लैड कचौरी, बस इसे अब फ्राई करना है हमें। इसी तरीके से दूसरी भी बना के बताती हूँ आपको। 2 रोटी बेल लें, 1 रोटी को कट्स लगा लें, कट्स वाली रोटी के ऊपर सिंपल वाली रोटी रखनी है, के अंदर मसाला भर लें, इसे किनारों को पकड़ के इसे इकट्ठा करके इसे दबाते हुए इसे चिपका लें, बाकी का एक्स्ट्रा आटा निकाल लेते हैं। ये कचौरी तैयार है। और अगर आप सिंपल कचौरी बनाना चाहते हैं तो सेम आपको फिर से 1 रोटी बेलनी है, इसके अंदर मसाला डाल लेते हैं, किनारों को अच्छे से पकड़ के इसे अच्छे से चिपकाएं और अच्छे से दबाएं, अच्छे से इसको बंद कर देना है, नहीं तो फिर ये फ्राई करते वक्त इसका मसाला निकल सकता है, तो इस बात का ध्यान रखें। और इसी तरीके से बाकी सभी कचौरी तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैं लैड वाली कचौरी बना रही हूँ, इसके लिए यहाँ पे मसाला कम लगा है। अगर आप सिंपल वाली बनाते हैं तो फिर आप मसाला ज्यादा तैयार करें। यहाँ पे तेल गरम करने के लिए रख दिया था और ये गरम हो चुका है, देखिए ज्यादा तेज गरम नहीं होना चाहिए। और बस इसमें हम डाल देते हैं हम कचौरियों को जितनी आ जाए एक बार में। और गैस की फ्लेम को आपको पूरे टाइम लो रखना है, लो फ्लेम पर ही इसे हम फ्राई करेंगे। तेज फ्लेम पर अगर आप इसे फ्राई करेंगे तो फिर उसका कलर तो चेंज हो जाएगा पर अच्छे से ये क्रिस्पी नहीं होगी और थोड़ी देर बाद फिर वो नरम हो जाती है। तो इसे धीमी धीमी आंच पर ही इसे हमें तलना है जिससे कि इसकी आउटर लेयर ये क्रिस्पी ही रहे, नरम ना पड़े। और इसे बीच बीच में आप ऊपर नीचे करते रहें, हमें दोनों साइड से इसे गोल्डन ब्राउन करना है।
और ये देखिए ये गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, इस तरीके से इसका कलर आ जाना चाहिए और बस ये जब ऐसी हो जाए तब इसे आप निकाल लें। और इसी तरीके से बाकी कचौरी भी तल लेते हैं। तो ये लीजिए तैयार हो गई हमारी कचौरियाँ। दो तरीके से आपको कचौरी बनाना बताई है, आपको जो अच्छी लगी उसे आप बनाइए, मुझे कमेंट करके बताइए। और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लें और न्यू नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।